बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं भीड़ है, मैं गुम होते होते बच गया। मैंने स्पेशल के हिसाब से आपकी छुट्टी लगा दी है। अच्छा, ये नहीं पता कि हिमाचल में हम कहां ले। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पर। हमारे गांव में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी दशकों के बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रात को, और मेला भी है कल, तो उसके लिए हम तैयारियां शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि जो ये स्टार नाइट थी आज सबसे पहले यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट डे हम मेले को गए और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा है ये बटेज का मेला नहीं, कुंभ का मेला है। इतनी ज़्यादा भीड़ देख के हम तो डर ही गए, हम आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत की, गन्ने का जूस पी के उसके बाद हम निकल पड़े लॉगिंग करने। हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ ये देखिए कौन है हमारे साथ, ये है सौरभ जी, जिनका फ़ोन से हम शूटिंग कर रहे हैं। इन्होंने अभी नया नया फ़ोन लिया है। तो ये सौरभ जी का फोन है, लेकिन ज्यादातर ही रहता हमारे पास ही है। कभी हम इससे फोटो खींचते हैं तो कभी इससे वीडियो खींचते हैं। तो चलिए आज ये थोड़ी सी बात हम सौरभ जी से कर लेते हैं। बताओ एमपी में क्या होता है? हिंदी में बड़ा हिंदी में जो तेरी मर्जी पहाड़ी हिंदी नहीं पता कि हिमाचल में हम कहां ले। भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग, ज्यादा भीड़ है, मैं गुम होते होते बच गया।